आप सबका स्वागत है संदीप लाइव व्लॉग्स पे। आज के व्लॉग में हम लोग पहली बार घर में अंडा खाएंगे और अंडा कैसे बनता है वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो भी स्टूडेंट भाई लोग देखते हैं ये वीडियो, आप देखिए और आप इसको देख के अंडा घर में बना सकते हैं, बहुत मजा आने वाला है। हेल्प कर रही है मैडम जी अंडे को छीलने के लिए, ये सब काम मैं उनसे करवा रहा हूँ और खाना बनाने का ड्यूटी आज मेरे को दिया है। अंडे और आलू को एक ही साथ आपको बॉयल करना है। अंडे को आपको बॉयल करके छील लेना है, उसके आलू को सबसे पहले क्या करना है आपको फ्राई कर लेना है इस तरह से, मैं जो फ्राई कर रहा हूँ, और कुछ आलू आपको इस तरह से गूंद देना है जैसे चटनी बनता है ना चोखा, कुछ इस तरह से इसका इस्तेमाल क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये है कुछ देसी मसाला है, इसमें हम लोग प्याज लहसुन अदरक थोड़ा सा काली मिर्च सब यहाँ दे दिए हैं, और यही मेन इन्ग्रीडियंट होगा मसाला का। तो हम लोग कुछ इस तरह से अंडा करी बनाते हैं। वीडियो अगर पसंद लगेगा तो ज़रूर से आप लोग ट्राई करके देखिएगा। आलू सब जो है ये आपको हल्का हल्का फ्राई कर लेना है, मतलब ऑलरेडी ये बॉयल है लेकिन इसको हम चाहते हैं कि और थोड़ा सा फ्राई हो, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है आलू का वो बहुत ही बढ़िया आता है अंडे के साथ। तो ये आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है, आलू वहाँ फ्राई हो रही है, उसके बाद क्या करना है आपको अंडे को फ्राई करना है। तो अंडे को कभी भी फ्राई कीजिएगा तो इस तरह से नहीं देना है आपको, आपको हल्का सा यहाँ ऐसे ऐसे करके काट लेना है, हल्का सा ऐसे करके पूरा आपको काट लेना है, ऐसे करके पूरा। और थोड़ा सा आपको हल्दी दे देना है और ऐसे करके इसको शेक कर देना है और सारा सारा हल्दी को आपको मिला देना है। आलू हम लोगों को येलोइश हो चुकी है, तो ये आलू बन गया है, इसको अब उठाना है हमें, और इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, ये क्रंच हो गया है। और वहाँ एंजल देख रही है खाना बना रहा हूँ मैं, खाना बना रहा हूँ मैं, खाना बना रहा हूँ, आजा बैठो 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 सीखो। अरे युवराज भी देख रहा है। जब आपका आलू डीप फ्राई हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अंडे को फ्राई करना है। अंडा को आपको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ये जैसे ब्राउन आप देख रहे हैं ये ब्राउन हो गया है बिल्कुल ब्राउन, उसके बाद उसको आपको अलग प्लेट पे उतार लेना है। अब तेल गरम हो गया है, अब क्या करना है, एक्स्ट्रा तेल आपको नहीं डालना है, बस अब ये जो मसाला जो हमने बनाया था उसको यहाँ आपको दे देना है। इसको हल्का सा आपको फ्राई कर लेना है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डालना है आपको, नमक बाद में भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैंने अभी इसको डाल दिया, सब एक साथ सब डाल दिया। जब आपको लगेगा कि ये हो गया है तब आपको क्या करना है, जो आपने आलू जो फ्राई करके रखी थी वो आपको यहाँ फिल्टी डाल देना है। और कुछ देर पहले जो आलू हम लोगों ने इस तरह से करके रखी थी भून के, ये आलू आपको यहाँ अभी डाल देना है। ये जो आलू का चोखा जो बनाए थे हम लोग वो है, हल्दी डाल देना है। जब अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो जाएगा उसके बाद आपको पानी डाल देना है फाइनल। जब आपका पानी उबलने लगेगा तब आपको क्या करना है, अंडे को डाल देना है इसमें, ये देखिए और इसको आपको ढक देना है, और आपका ये सब्जी 5 मिनट के बाद रेडी हो जाएगा।